शहर में अपराध का ग्राफ किस कदर बढ़ रहा है ये तो आए दिन देखने को मिल ही रहा है। इसी कड़ी में आज दिन दहाड़े एक और वारदात को लेकर लोग सकते में आ गए। गल्ले का काम करने वाले एक व्यापारी के साथ दिन दहाड़े तेल घानी पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। व्यापारी के मुताबिक उसके पास तकरीबन 1,00,000 रुपए थे जो अज्ञात लुटेरे व्यापारी से ले गए। व्यापारी की माने तो जब वह मार्केट में लोगों से पेमेंट लेकर निकल रहा था तभी अज्ञात हमलावरों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसके पास रखे तकरीबन 1,00,000 रुपए लेकर फरार हो गए। जिसके बाद व्यापारी मोहन सिंह ने सिटी कोतवाली पहुंचकर अपनी फरियाद सुनाई, जिसके बाद पुलिस सकते में आ गई और तुरंत ही मोहन का मेडिकल कराया। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई, जिससे अपराधियों की धरपकड़ जल्द ही की जाए। समझ नहीं आता कि शहर किस ओर जा रहा है। किसी जमाने में शहर को शांति का टापू कहा जाता था, वहीं पर आज अपराध इस कदर बढ़ गया है कि दिन दहाड़े लूट की घटनाएं होती हैं और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। पूरा मामला पूरा था सर, मैं मार्केट को पेमेंट करने निकला था तो मोनू भैया है ना, मैंने पेमेंट किया। इसके बाद में जैसे ही अंदर मंडी में पेमेंट करना थी जगह जगह मेरे को, तो वहाँ पर अंदर मंडी में गया तो वहाँ बाथरूम करने लगा। बाथरूम करने से जैसे ही रिटर्न वापसी हुआ कुछ लोगों ने मेरे को मारा और पैसे लिया। 5-6 लोग थे। शक्ल देखी आपने किसी की? अब सर मैं ऐसे ही घुमा, जैसे ही मेरे को मार ही दिया उन्होंने, मारा दूसरा मारा मेरे हाथ में वो उनका डंडा आ गया। अगर वो सामने आते तो पहचान पाएंगे ना? सर मैं एक लड़की को पहचान सकता हूँ, मेरी ऐसी उसने जैकेट पहन रही, थोड़ी सी दाढ़ी। काहे का काम करते हैं? मैं किराने की दुकान करता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह दादा।